हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जोनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जोनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रामनिवास आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे आरपीएससी AE वैकेंसी की, जो कि आपके GWD डिपार्टमेंट में आई है। ये डिपार्टमेंट आपका ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, और इसके साथ ही फिर से आपके वही सवाल होंगे कि आरपीएससी AE की कंबाइंड की वैकेंसी कब आएगी, आरपीएससी AE की जो कंबाइंड की वैकेंसी उसमें मैकेनिकल की वैकेंसी है या नहीं है, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है या नहीं है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आरपीएससी की तरफ से जो भी वैकेंसीज है उनका क्रम आना शुरू हो गया है। अगर हम बात करें यहाँ से, तो आरएस की वैकेंसी इन्होंने लॉन्च कर दी है, वहीं पे आरपीएससी AE की जो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है इसकी वैकेंसी यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है, और यहाँ पे इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट, कि क्या कुछ नया है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, और उसके साथ साथ हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या आपके वेटेज है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना है। पिछले साल अगर बात करें इसके पेपर के एनालिसिस की, तो कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज था, क्या सिलेबस है, सब कुछ यहाँ पे हम और भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेता हूँ आरपीएससी AE कंबाइंड की वैकेंसी की, जो कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस के लिए है। आप बस अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी को बूस्ट करते जाइए, धीरे धीरे पढ़ते जाइए, क्योंकि जब ये वैकेंसी आएगी तो इतना वक्त नहीं मिलेगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीलिम्स एग्जाम में आपको ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, उसके बाद मेंस एग्जाम में मिल जाए बात अलग है। तो आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी आ जाए, उसके बाद सबसे बड़ा दुख का कारण अगर कुछ बनता है तो बनता है कि मेरी तैयारी पूरी तरह से नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी वैकेंसी आने के बाद। बस ये आपको जो एक ये फीलिंग है, ये नहीं आनी चाहिए। तो उसका एक ही उपाय है कि जब आपको तैयारी करनी है तो अभी से अपनी तैयारी को बूस्ट करके आप तैयारी शुरू करते रहिए। अपने सब्जेक्ट जो टेक्निकल के हैं वही सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जब उनको पता है वैकेंसी आने वाली है, सिलेबस वही का वही है, तो सिर्फ आप एक चीज़ पर फोकस करिए कि ठीक है, मुझे अपने आप को परफेक्ट बनाना है और अपनी तैयारी को बूस्ट करते जाना है। बाकी जब भी वैकेंसी आएगी या जब भी आपको मौका मिले, तो आप उस मौके को भुना के सीधा असिस्टेंट इंजीनियर की कुर्सी पर बैठ जाएं। तो पहला तो आपके लिए ये एडवाइस थी जो आरपीएससी AE कंबाइंड के एग्जाम के बारे में थी, नोटिफिकेशन के बारे में थी। दूसरी अगर बात करें इस वैकेंसी की, तो इस वैकेंसी में बात करेंगे हम कि आरपीएससी AE जो आपकी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, बेटा ये वैकेंसी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए है ओनली। यहाँ पे हम बात करेंगे कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, वहीं हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी को लेकर जोनटेक की तरफ से जो आपकी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है वो अवेलेबल होगी, वहीं इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल होगी, और वहीं आपकी स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। यानी ये आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। और अब हम डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ चलने वाले हैं, जहाँ पे हम नोटिफिकेशन को कंप्लीट देखेंगे, उसके साथ साथ हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ मैं देखूंगा कि कितना क्या कौन सा सब्जेक्ट का कितना क्या वेटेज है। तो ये सब चीजें हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं या फिर आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितना यहाँ पे डिस्कस करने वाला आपका कंटेंट है उसको मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट कंटेंट है जो कि आपका एक स्पेसिफाइड होगा कि कौन से में डिपार्टमेंट में क्या कौन सब्जेक्ट में आपकी कौन कौन से टॉपिक्स का क्या वेटेज है, या फिर पिछले प्रीवियस ईयर का और इस ईयर में क्या क्या चेंजेस हो सकता है, या फिर सिलेबस की, तो वो सब डिटेल में हम चर्चा करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल जो कि आपके GWD डिपार्टमेंट में है। यहाँ पे कुल पदों की अगर बात की जाए तो 12 पद है। अब मैकेनिकल वाले सोच रहे हैं कि पद बहुत कम है, लेकिन ध्यान रखिए ये GWD डिपार्टमेंट है, आरपीएससी का स्पेशल डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में आपकी जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, यहाँ पे ऑलरेडी जो पद है आप किसी भी साल देख लीजिए, पिछले साल जो वैकेंसी 2014 में आई थी तब भी पद लगभग इसके आसपास के, तो यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आपको मिलती नहीं है। हाँ, उसके साथ साथ आपकी एक अप्रोच ये भी होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब है, तो एक वैकेंसी अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है। अगर बात करें यहाँ पे, तो टोटल जो है 12 पोस्ट है, जहाँ पे जनरल के अंदर आपके पास 5 नंबर ऑफ पोस्ट है, यानी हर कैंडिडेट का एक मौका है 5 नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी वाइज, तो सिर्फ आपके पास एक EWS की 1 पोस्ट, और वहीं OBC कैटेगरी में आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे 3 है। तो ये तो बात हो गई आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की। अब अगर हम बात करें आगे धीरे धीरे यहाँ पे और इसके बारे में, तो यहाँ पे कुछ ये टर्म एंड कंडीशंस दिए, इनको आप पढ़ लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की, तो देखिए यहाँ पे बीटेक वाले अलाउ रहते हैं, ज्यादा कन्फ्यूजन करना मत। बीटेक मैकेनिकल ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और क्वालिफाइड डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, तो यहाँ पे जो आपके पास BE है या फिर जो आपके पास BTEC स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो अगर आपके पास BE या BTEC की डिग्री है, तो आप यहाँ पर इस एग्जाम्स के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, यानी ये आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद बात करें, तो हिंदी लैंग्वेज की आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हिंदी लैंग्वेज और राजस्थानी कल्चर के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे बाहर का स्टूडेंट हो। वहीं अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आयु सीमा जो है वो आपकी 1/1/2024 को आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम आप 20 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 40 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप 40 साल से ज्यादा हैं, तो उस केस में आपको रिजर्वेशन का जो है वो लाभ मिलेगा। रिजर्वेशन का लाभ आपको इस तरह से रहेगा कि अगर आपके पास इस कैटेगरी के हैं
ओबीसी या फिर शेड्यूल या फिर बैकवर्ड क्लासेस, तो आपके 5 साल का यहाँ पे रिजर्वेशन है। वहीं अगर बात करें आप यहाँ से एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 10 साल का रिजर्वेशन है। वहीं अगर बात करें यहाँ से तो जो सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला है उनके लिए 5 साल का रिजर्वेशन है। तो जिसको यहाँ पर जो पद आपको एप्लीकेबल लगता है उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें एक चीज ध्यान देने वाली चीज है कि उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। इसका मतलब यह है कि आपका जब एग्जाम होगा, लेट सपोज आपका एग्जाम 31 दिसंबर को होता है, तो 31 दिसंबर से पहले आपको जो डिग्री है वो आ जानी चाहिए या आपका जो रिजल्ट है वो आ जानी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई में आ रहा है, आपका एग्जाम यहाँ पे 31 दिसंबर को, उसके बाद इसका रिजल्ट कभी भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता, इसके एग्जाम में बैठने से पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं बेटा अगर बात करें यहाँ पे, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया में देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्होंने चेंज किया, देखिए काफी कुछ चेंज है पिछली बार से अगर बात की जाए। तो यहाँ पे अगर बात की जाए चयन प्रक्रिया में, तो परीक्षा का स्थान और डेट जो है वो आपको सूचित कर दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। वहीं अगर बात करें तो चयन प्रक्रिया जो है आपका केवल और केवल लिखित की परीक्षा में मेरिट के क्रम पे होगा, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू आपका या फिर फिजिकल या फिर अदर कोई भी आपकी फॉर्मेलिटीज नहीं है, केवल आपका एक एग्जाम होगा रिटर्न, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे ही आपका यहाँ पर कंप्लीट सिलेक्शन होने वाला है। अगर बात करें यहाँ पे पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम देखिए वैसे तो इन्होंने पाठ्यक्रम इस बार डेफिनेटली चेंजेज होगा, लेकिन अगर हम बात करें पिछले 2014 वाले सिलेबस की, तो उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा बाद में। अगर उसकी बात करें तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे बात की है तो ज्यादा सब्जेक्ट है नहीं, वहां पे आपका थर्मल का पूरा पोर्शन है, एफएम का पूरा पोर्शन है, इंडस्ट्रियल आपका पूरा वहां पे आया हुआ है, प्रोडक्शन आपका पूरा है, और एक आपका पैटर्न सीपीएम वाला जो ओएमआर वाला सब्जेक्ट है वो आपका वहां पे आया हुआ, ऑपरेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट है वो आया हुआ है, यानी वहां पर सिर्फ इतनी है। जबकि इस बार अगर बात की जाए तो डेफिनेटली आपके बाकी सब्जेक्ट भी एड होंगे सिलेबस में। उसके साथ साथ यहाँ पे जस्ट लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तो केवल और केवल टेक्निकल के बेसिस पे एग्जाम था, वहां पर आपका नॉन टेक का कोई भी वेटेज नहीं था, कोई भी पेपर नहीं था। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका टेक्निकल और नॉन टेक दोनों का वेटेज है, यानी यहाँ पे टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें आवेदन प्रक्रिया की, तो आवेदन प्रक्रिया जो है आपकी आरपीएससी की साइड से आवेदन प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी, वही आपको एसएसओ आईडी पे जाके सारे काम करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपका तो राजस्थान में जितने भी एग्जाम है सबके अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्मूला शुरू हो चुका है, तो ओटीआर से आप देख सकते हैं यहाँ पे। वही अगर बात करें तो ये ओटीआर में देख लीजिए, किसको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली पूछ लीजिएगा ओटीआर में किसी को डाउट है। वैसे बता दो बड़ा सिंपल सा है, आपको एसएसओ आईडी पर लॉग इन करना है, वहां पे अपने प्रोफाइल को जाके थोड़ा सा एडिट करना है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, वहां पर आपको वन टाइम पेमेंट करना है बस। अगर आप जनरल कैटेगरी है तो उसके हिसाब से अपना पेमेंट अलग रहेगा, ओबीसी के तो अलग रहेगा और एसटीसी कैटेगरी तो अलग रहेगा। जो भी आपकी कैटेगरी में पेमेंट है वो पेमेंट करिए, उसके बाद आपको वहां पर सिर्फ फॉर्म फिल करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास ये है यहाँ पे कि जो आपका ये एग्जाम स्कीम है, इस एग्जाम स्कीम में हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। देखिए एग्जाम स्कीम में आपके इस बार दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पेपर एक ही होगा, पार्ट दो है। पार्ट ए के अंदर आपका जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, बड़ा इंपॉर्टेंट कह रखा है, केवल और केवल राजस्थान की जनरल नॉलेज आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, इंडिया का कोई पोर्शन कवर नहीं होने वाला है यहाँ पे। हाँ, हो सकता है आपके पास जीएस भी कुछ कवर नहीं होगा, केवल करंट अफेयर राजस्थान की आ सकती है, बाकी करंट अफेयर और जो राजस्थान की जीके है वो आपका रहेगा। दूसरा अगर बात करें कंसर्न सब्जेक्ट की, अगर बात की तो कंसर्न सब्जेक्ट कौन सा होगा, केवल और केवल मैकेनिकल आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन और मैकेनिकल के आपके 110 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल आपका 150 मार्क्स का पेपर है, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और यहां पे अगर बात की जाए आपके पास तो यहां पे आपका 150 आपको मिनट्स दिए गए, यानी 2.5 घंटे दिए गए, तो 150 मिनट हो गए आपके। अगर बात करें यहां पे तो देखिए मैं बता चुका हूं 150 मार्क्स 150 क्वेश्चन है। यहां पे अगर बात करें तो केवल एक पेपर होगा, सिर्फ आपका एक पेपर होगा। वहीं अगर बात करें पेपर की अवधि जो है वो कितनी हो जाएगी, 150 मिनट से, यानी यहाँ पे अगर एग्जाम के लेवल का अंदाजा लगाएं कि एग्जाम की डाइवर्सिफाई और डेप्थ किस तरह से रहेगी, तो देखिए दोनों ही अच्छी खासी रहने वाली है, क्योंकि अगर बात की जाए एक मिनट में एक सवाल, तो एक मिनट में एक सवाल आपको अच्छा खासा वक्त देता है। एसएससी का लेवल तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि एसएससी के अंदर अगर बात करें तो एक सवाल के 0.33 सेकंड दिए जाते हैं, तो ऐसा तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहने वाला, यानी पेपर का पैटर्न वही रहेगा जो लास्ट टाइम था। लास्ट टाइम का पेपर अच्छा था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो वो पेपर आपका वैसे जैसा था वैसे पेपर यहाँ पे आपको मिलने वाला है, तो ये आपका एक बहुत अच्छा सेक्शन है। वही अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग सेल भी एप्लीकेबल इन द एवेल्यूशन ऑफ आंसर, आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और नेगेटिव मार्किंग कितनी आपकी 1/3 है,
डेफिनेटली ये एक, तो देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपका कहीं ना कहीं डिफेंस क्रिएट करेगा। वहीं अगर बात करें तो रॉन्ग आंसर शैल बी मीन है इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर, अगर रॉन्ग आंसर लगाते हैं तो इनकरेक्ट आंसर है या फिर मल्टीपल आंसर तो भी रॉन्ग आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि आपको किस तरह से आपको ओटीआर प्रोफाइल बनना है, तो ओटीआर प्रोफाइल को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो ओटीआर प्रोफाइल का जो आपका पेमेंट है वो पेमेंट कुछ तरह से 600 रुपए है, फिर कैटेगरी वाइज 400 रुपए है, तो उसको देख लीजिएगा अपने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अगर बात करें यहाँ पे और आगे हम, तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक पत्र से हैं, तो आपको जो आपका सर्टिफिकेट है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले पहले जारी हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका जो पुराना सर्टिफिकेट है उसके बेस पे आप एक शपथ पत्र दे सकते हैं कि जो मेरा सर्टिफिकेट है पुराना उसके अनुसार जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है तब तक मैं आपका नॉन क्रिमिनल या फिर मेरी कैटेगरी में आता था। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपका ये फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इस पॉइंट को जरा थोड़ा ध्यान से पढ़ें और इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। तो देखिए ये आपकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे वो रही है। अब अगर बात करें यहाँ से कि हम कौन कौन से पॉइंट जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तो यहाँ पे अगर बात करें तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंप्लीट सिलेबस की, आखिर यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है, तो हम कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे। वहीं अगर बात करें तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, तो उसके अंदर हम यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे और वहीं पे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, यानी स्टडी मटेरियल के बारे में हम बात करेंगे कि भाई स्टडी मटेरियल आपको क्या यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टडी मटेरियल क्या रहेगा, आपका प्रीवियस ईयर का एनालिसिस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो ये हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो कि इस एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। ये असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है, लेकिन हाँ ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है, जितनी जो भी आपके बाकी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं सिविल इलेक्ट्रिकल के, वो तैयार हो जाइए क्योंकि आपका असिस्टेंट इंजीनियर कंबाइंड का जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्दी ही आने वाला है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।